बढ़िया। ओह माय गॉड। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज दीपिका एंड आई अपलोड हियर एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट होम मेकिंग, मॉमीज लाइफस्टाइल। आज एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्रिसमस डेकोर किया है और ये टाइम जो होता है ईयर का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। हमारा जो फेस्टिव सीजन दिवाली वाला आता है उसकी तो खैर बात ही अलग है, बट इस टाइम क्योंकि हम एक फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है यहाँ का। और बाहर भी निकले तो इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है कि बस पूछे ना। तो बहुत जल्दी आपके साथ वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है इस बार। तो बस आज थोड़ी बहुत जो तैयारियां मुझे करनी है क्रिसमस डेकोर की, तो वो करने वाली हूँ और वही आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चीज बोलना चाहती हूँ शुरुआत में ही कि इस घर को जो मैं डेकोरेट करती हूँ वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, और मैं कभी आप में से किसी को फोर्स नहीं करती कि आप भी इसी तरह से करें। क्योंकि कई बार मेरे पास कॉमेंट आ जाता है कि आप बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं या फिर बहुत सामान है आपके घर में। तो इन सारी इसेंशियल चीजें ही हैं, बेड है, वार्डरोब है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा सच एक्स्ट्रा है। रही बात घर को डेकोरेट करने की, तो वो हर घर के हिसाब से होता है, हर इंसान के टेस्ट के हिसाब से होता है। तो मुझे अपना घर इसी तरह से सजा हुआ पसंद है। क्या पता आपको बिल्कुल खाली खाली पसंद हो। तो हर घर की कहानी अलग है और हर घर जो है वो उस घर में रहने वालों के हिसाब से होता है। तो यस, मेरा घर जो है वो मेरे हिसाब से है एंड आई थिंक इट इज राइट एज वेल। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत करी है वो है कुशन कवर्स चेंज करने से, और यहाँ पे मैंने कुशन कवर्स लगा दिए हैं। इसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल का जो लुक है वो कम्प्लीटली मैं चेंज करने वाली हूँ। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये कि जो टेबल कवर है ईवी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, वो खींच देती है, आपको दिख भी रहा होगा किधर से ऊँचा किधर से नीचा। एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिसे आधा सेंटीमीटर भी चीज़ें इधर उधर हो जाए तो फिर बड़ी उलझन होने लगती है। तो टेबल कवर जो है वो आजकल ऑप्शन रहा नहीं है। और जो ये ब्लैक ग्लास है, एक तो आजकल बिल्कुल फैशन में भी नहीं है और दूसरा फिर गंदा बहुत जल्दी होता है। तो इसका मैंने तरीका ढूंढा है कि इसको मार्बल इफेक्ट देते हैं और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से। तो मेरे पास है ये सेल्फ एडहेसिव पेपर, ये विल्को से मैंने बाय किया है। ये इसकी डायमेंशन है 2 मीटर का है ये। तो ये मैं इसके ऊपर पेस्ट करने वाली हूँ और जब चाहें आप इसे उतार दें जब भी आप इस लुक से बोर हो जाएं। अच्छा, जो हमारी ये डाइनिंग टेबल है ये वैसे तो 6 सीटर है लेकिन इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 8 to 10 सीटर एज वेल। तो ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है। तो वैसे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं एक्चुअली, बट फिर भी एक्सटेंडेबल है कि इन केस कभी जरूरत पड़ जाए। तो इसको मैंने ओपन करके एक बार अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और जो ये सेल्फ एडहेसिव पेपर है ये वाटरप्रूफ है, काफी थिक क्वालिटी का है। बाजार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं लेकिन एक अच्छी क्वालिटी वाला ले, और बेसिकली डाइनिंग टेबल के लिए तो आपको वाटरप्रूफ चाहिए ही क्योंकि स्टेन्स भी लग जाते हैं कई बार जब आप बैठ के खाते पीते हैं। तो ये काफी थिक है। तो मैंने पहले इसको मेजर करके देखा कि किधर की तरफ से जो है वो पैच छोटा आएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो ये है नहीं कि पूरी डाइनिंग टेबल ये एक बार में कवर कर ले। तो इसको मैं इधर की तरफ से लगाना शुरू करूंगी। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने एक बार अपनी सेंटर टेबल भी कवर करी थी जो फिलहाल अभी गार्डन रूम में रखी हुई है और पहले हमारे लिविंग रूम में हुआ करती थी पुराने घर में। तो बहुत ईजी है इस पेपर को लगाना। धीरे धीरे से नीचे इसका एक ट्रेस पेपर होता है वो हटाते जाना है, और आपको कोई भी कार्ड चाहिए होता है, कोई भी पुराना कार्ड ले और उससे आप इसको इस तरह से प्रेस करते जाएं, तो उससे जो एयर बबल है वो निकल जाते हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन जो पेपर है ये पेस्ट हो जाता है। तो इस क्लिप को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इफ यू आर बिगनर, आपने पहले इस चीज को नहीं किया है। और बस एजेस पे पहुंचते ही फिर सबसे बड़ा काम शुरू होता है इसको नीटली टक करना। तो मैंने यहाँ पे सीजर का यूज किया है, इसके लिए वैसे एक पर्टिकुलर ब्लेड आता है, अगर वो हो आपके पास तो बहुत अच्छा, मेरे पास नहीं है। तो
यू नो इस तरह के पेपर से आप अपना काउंटर टॉप वगैरह भी कवर कर सकते हैं. तो अगर आपको अपनी किचन में कुछ डिफरेंट लुक देना है देन यू कैन डू दैट. मैंने ये चीज़ें काफ़ी करी हैं. एक वॉर्डरोब भी थी मेरे पास पहली, तो मैंने उसके ऊपर भी इसको लगाया था. तब वो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो वो ब्लूइश कलर की थी, उसको मैंने वुडन लुक दिया था एंड इट वॉज फैबुलस. फिलहाल है वो हमारे पास वॉर्डरोब, गार्डन रूम जो है हमारा वो उसमें रखी हुई है. तो यस, यहाँ पे मैंने ये जो पूरा पेपर है ये अच्छे से नीटली कवर कर दिया है. तो ये देखिए हमारी डाइनिंग टेबल मार्बल इफेक्ट वाली कैसी लग रही है बताना ज़रूर. और साहब भी आ गए थे इस दौरान और उनसे मैं पूछ ही रही थी कि कैसी लग रही है, तो लास्ट में थोड़ी सी हेल्प उन्होंने भी करा एंड ही इज़ लाइक मेरा हाथ लग गया है तो इसीलिए बहुत अच्छी लग रही है. तो यस इट इज़ गुड नाउ और वाइटिश इफेक्ट आ गया है. वाइट चीज़ों से जो रूम है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लगता है, ब्लैक से थोड़ा सा डार्क हो जाता है. और अब मुझे टेबल कवर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ वाइट क्लीन, इट इज़ नाइस और पैटर्न भी बहुत अच्छा है. तो चलिए बस अब इसको डेकोरेट कर देते हैं. मैंने रेड टेबल रनर डाल दिया है इसके बाद ट्रे रख के, उसमें थोड़े से ऑर्नामेंट और थोड़ा सा क्रिसमस इफेक्ट देने के लिए चेरीज के जो ऑर्नामेंट है मेरे पास वो मैंने रख दिए हैं. हालांकि जब लास्ट आप देखेंगे क्लिप इस वीडियो में, जब पूरा घर में डेकोरेटेड आपको दिखाऊंगी, तो कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हैं क्योंकि वही है ना, इट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंट कि हम लगा लगा के देखते हैं चीज़ें कि कैसी लग रही हैं. इसके बाद बारी आती है कर्टेन्स चेंज करने की. तो इस रूम का पूरा लुक, पूरा थीम ही मैं चेंज करने वाली हूँ. तो यहाँ पे ये येलो ग्रे और सिल्वर कर्टेन लगे हुए थे तो उनको मैंने चेंज कर दिया है रेड और सिल्वर कर्टेन से. जो ग्रेश सिल्वर होता है ये वो है और सेम पैटर्न है. तो रूम का जो लुक है वो येलो से काइंड ऑफ रेड थीम हो गया है विच इज़ परफेक्ट फॉर क्रिसमस. इसके बाद बारी आती है रग की. तो यू नो ऑलमोस्ट साल भर ही होने वाला है. जनवरी में हम लोगों ने मूव किया था और फेब्रुअरी से पूरे घर की जो डेकोरेशन थी वो शुरू हो ही गई थी. तो सोचा कि चलिए क्रिसमस है, कर्टेन चेंज करें हैं तो रग भी चेंज कर देते हैं. तो ये रग निकाल लिया है, ये लोकल शॉप से ही हमने लिया था. कई बार कॉमेंट आते हैं कि दीपिका लिंक प्रोवाइड करा दो, तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है क्योंकि लोकल शॉप से था और मोस्टली मेरे घर में जितने भी रग हैं वो सारे लोकल शॉप से ही हैं. तो इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है नाइसली. इसको रोल करके, इसको अच्छे से टक करके हम रख देंगे. जो सेलो टेप होती है उससे हम इसको चारों तरफ से अच्छे से जो है वो टक कर देंगे ताकि ये ओपन ना हो, नॉट फुल्ली बट हाँ तीन जगह से हम इसको करेंगे. और उसके बाद जो ब्लैक वाले बिन होते हैं, थिक वाले लाइनर बिन लाइनर्स, उससे हम इसको कवर कर देंगे तो अंदर डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं जाती और जब भी आप इसको निकालें हल्का सा फ्रेशन अप कर लें. और यहाँ पे रेड और ग्रे जो रग मेरे पास पहले से था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है. अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पुराने घर में डाइनिंग एरिया में मैंने ये वाला रग लगाया हुआ था. तो ये यहाँ पे थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था. हालांकि ये इतना फ्लफी नहीं है जितना येलो वाला था, बट फॉर टाइम बीइंग इट इज़ फाइन. तो मे बी स्प्रिंग टाइम में मैं फिर से कुछ चेंज करूँ, बट अभी क्रिसमस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. तो कर्टेन चेंज हो गए हैं, रग चेंज हो गया है और अब यहाँ पे हम लाइट्स लगा रहे हैं. तो दिवाली के टाइम पे दिया शेप की जो लाइट थी वो हमने लगाई थी जो घर से आई थी, और ये स्टार वाली मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी तो ये अब हम लगा देंगे और ये क्रिसमस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि दिवाली पे लगाई थी कर्टेन के ऊपर. विंडो के ऊपर हम नहीं लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं. तो इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है जब आप बड़ी लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर देते हैं, तो बहुत ही सूदिंग कॉजी और वॉर्म वॉर्म सी फीलिंग आती है. और
बस लाइट भी हमारी लग गई है, इसके बाद थोड़ी सी डेकोरेशन में कर देती हूँ। तो ये जो फायर प्लेस है उसके ऊपर लगाने की गर्लैंड होती है, बट इस घर में हमारा कोई ऐसा सच फायर प्लेस है नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। एक छोटा सा ये सेक्शन है और इसके सामने थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो मैंने रख दिए हैं। लाइट्स जो है वो हमने पहले ही दिवाली पे लगाई हुई थी, तो कोई भी लाइट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगी है, ऑलमोस्ट जो दिवाली के टाइम की थी वही। और यहाँ एंट्री वे पे मैंने एक ये मेरे पास साइन बोर्ड था क्रिसमस से रिलेटेड, वो मैंने लगा दिया है, तो घर में एंट्री होते ही वो वाइब आती है कि यस इट इज क्रिसमस टाइम। तो कुछ इस तरह से ये वाला लग रहा है। इसके बाद एक दो और साइन थे मेरे पास मैरी क्रिसमस से रिलेटेड, और एक था सेंटर स्टॉप हियर, तो वो मैंने इधर फ्रंट वाली जो हमारी विंडो है इस पे मैंने लगा दिए हैं। और विकास अभी भी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन करने में लगे हुए हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली डन। तो अपनी मीटिंग्स के बीच में आके वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा ही देते हैं। इसके बाद बारी आती है रीथ को हैंग करने की, तो मेरे पास रीथ हैंगर है, बट ये जो हमारा फ्रंट डोर है इस बार का, लाइक हमारे इस घर का अगर मैं कंपेयर करूँ रेंटेड हाउस से, तो इसके ऊपर जो है वो रीथ हैंगर नहीं जाता है, ये दरवाजा अदरवाइज बंद नहीं होगा, तो इसीलिए कमांड हुक लगा के यहाँ पे और उसके ऊपर फिर हम रीथ को हैंग करेंगे। और विकास जो है वो उल्टी ही लगाने लग रहे थे इसको, फिर उनको बताया कि बेल जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी, देन ही डिड इट। और बस मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही थी, तो कमांड हुक से ये सही हो गया, बट वही के रीथ हैंगर मेरा वो इतना प्यारा है, एंड आई वाज लाइक कि उसको कहाँ मैं यूज़ करूँ कैसे करूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैंने उसको लगा के भी देखा, और फाइनल जो लुक है वो दिखा ही दूंगी। और ये बेल को कवर करने के लिए कोर बेल होती है वो मैंने लगा दी है, और ये भी आपको यहाँ से दिखा दूँ, तो मैरी क्रिसमस एंड सेंटा प्लीज स्टॉप हियर फॉर गिफ्ट्स। तो यस, बच्चे जो हैं वो बहुत वेट करते हैं, साथ ही मैंने छोटे छोटे से ना वो भी रख दिए थे वहाँ पे स्नोमैन वगैरह। तो इतना काम हो गया था, उसके बाद लंच टाइम, और यहाँ अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो क्रीमी कोफ्ता करी बनाने वाली हूँ, तो जुकीनी ली है मैंने 3 यहाँ पे बिग साइज की हैं, और इनको अच्छे से वॉश करके और मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ स्किन के साथ ही। और जो मैंने ना इसके अंदर ये कपड़ा लगा लिया है बोल के अंदर, क्योंकि मैं इसका जो पानी है वो निकालने वाली हूँ, तो अगर आप फिर बाद में हाथों से निचोड़े ना तो वो पूरा नहीं निकल पाते और हाथ भी बहुत मैसी हो जाते हैं। तो तीनों जुकीनी जो है वो फाइन साइड से मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर ली है, और फिर इस तरह से ये कपड़ा आप चारों कोनों से उठाएं और इस तरह से स्क्वीज कर दें, तो पानी बिल्कुल क्लीन का क्लीन निकल आता है, और जो आप जो भी चीज़ आप ऊपर कर रहे हैं यूज, जैसे जुकीनी हो गई या फिर आप मूली के पराठे के लिए मूली ग्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह से मूली जो है वो ऊपर रह जाती है और वो बिल्कुल ड्राई ड्राई रहती है, और आपके परांठे भी नहीं फटते हैं। और इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मूली के परांठे बना रहे हैं तो इस पानी को आप आटा नीड करने के लिए यूज़ कर लें। और यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेटेड जुकीनी हो गई है रेडी, और इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है बेसन, तो जितनी जुकीनी होती है उसे आधा बेसन डलता है, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और अजवाइन। इसके बेसन के साथ ना अजवाइन अगर आप डालें तो डाइजेशन बेटर रहता है, अदरवाइज थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो बस अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे नीड कर लेंगे, पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप नमक डालते हैं ना तो जुकीनी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती ही है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉइस्ट सा एक बैटर बनके तैयार हो गया है, जो इसकी साइड्स हैं वो अच्छे से स्क्रेप कर लें, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और अब बस छोटी छोटी सी बॉल्स बना के आप इसको फ्राई कर लें। अप्पे मेकर हो आपके पास तो आप उसमें भी लेस ऑयल में इसको बेक कर सकते हैं या फिर काइंड ऑफ शेलो फ्राई कर सकते हैं, बट वही है कि ये चीज़ें रोज रोज तो बनती नहीं है, कहीं महीने दो महीने, इवन आई थिंक मेरे घर में तो ये 5-6 महीने बाद बन रहा है, तो फिर फ्राई करके ही बना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेस्ट में तो फ़र्क आता ही आता है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, तेज आंच ना करें, अदरवाइज ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर बहुत ही कम इसकी हीट होगी तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाएंगे, तो जो हमारी हीट है वो मॉडरेटली हॉट होनी चाहिए, नाइस होनी चाहिए, तभी अच्छे से फ्राई होंगे। और बस जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इनको कढ़ाई से निकाल लें, और इसके बाद बस अब हम तड़का बनाएंगे। और बोल में थोड़ा सा कुछ लगा रह गया था तो उसमें मैंने पानी डाल के और उसको हल्का सा रिंस कर लिया है, और जो ये पानी निकला था जुकीनी का इसी में ऐड कर दिया है, ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, और थोड़ा सा बेसन उसमें होता है तो उससे ग्रेवी हमारी थिक भी हो जाती है।
तो कढ़ाई मैंने चढ़ाई है और यहाँ पे है मेरे पास एक ये पेस्ट, इसके अंदर है गाजर, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा सौंफ और लौंग। ये सारी चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में डाल के मैंने एक विसल लगा ली थी और फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। ये काम मैंने सुबह ही कर लिया था, तब मैं अदवी का ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उबाल लिया था। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब घर में सामान ख़त्म होने लग रहा हो, कुछ सब्जियाँ बची हों, तो आप उनको प्याज टमाटर और थोड़े से स्पाइसेस के साथ इस तरह से जो है वो उबाल लें और उसका पेस्ट बना लें और फिर आप किसी भी सब्जी में मसाले की तरह उसको यूज कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं खाते हैं सब्जी वगैरह, वो भी आराम से खा लेते हैं क्योंकि सब कुछ ब्लेंडेड होता है, उनको पता भी नहीं लगता है। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाला है। कोई भी होल स्पाइस हम यूज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ हमारी क्रीमी ग्रेवी बनने वाली है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, एक जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब डाली है, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा ही बस हम इसको अब यहाँ पे रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उससे हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे और जो हमारी क्यूब है वो भी अच्छे से गल जाएगी। मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि मुझे क्यूब जो है वो अच्छे से गलानी थी, लेकिन अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी कम डालें और इसको अच्छे से भून लें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया और बिल्कुल क्रीमी सा हमारा यहाँ पे ये मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद जो हमारा वो बॉइल्ड मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस मसाले को कोई बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सारी चीजें बॉइल्ड है, कुछ भी कच्चा नहीं है इसके अंदर। बस ये कि हल्का सा पका लें कि इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और जैसे ही इसके अंदर एक बार बॉयल आएगा तब हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे, या फिर आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप वो इसके अंदर डालें। तो ये देखिए हल्का सा यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये एक वर्सेटाइल ग्रेवी है। आप पनीर कोफ्ता जो बनाते हैं वो भी इस ग्रेवी में बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं, सोया चाप भी बना सकते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी आपको कोई रेसिपी दूँ तो उसके बहुत सारे यूजेस भी बताऊँ, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके में वही चीज़ यूज़ कर सकें और एंड रिजल्ट जो है वो सभी का डिफरेंट सा आए, क्योंकि आपने डिफरेंट इन्ग्रीडियंट यूज़ करे हैं और जो ग्रेवी है वो सेम होती है लेकिन जो टॉपिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है उसमें। तो जैसे कि मैं आज यहाँ पे जुकीनी का कोफ्ता बना रही हूँ, आप लौकी का कोफ्ता बना सकते हैं, आप पनीर कोफ्ता बना सकते हैं, आप सिंपल पनीर यूज कर लें, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज। और जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब इसको थोड़ा सा क्रीमी इफेक्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर दूध ऐड करा है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो या मलाई हो तो आप थोड़ी सी वो डालें, उससे और ज्यादा रिचनेस आ जाती है इसके अंदर और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस ये डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कई बार इस तरह से क्रीम या डेयरी प्रोडक्ट डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की सी फटी फटी हो जाती है, वो फटने लगती है। तो लगातार चलाते रहें और जब बॉयल आ जाए इसके अंदर तब आप इसमें कोफ्ते ऐड करें। और कोफ्ते डालने के बाद आपको इसको बहुत देर तक कुक नहीं करना है, हार्डली 2 मिनट्स, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा सॉगी हो जाएंगे और जो सर्व करने का टाइम होगा उस टाइम पर ये फूटे फूटे से ही हो जाएंगे। तो बस 2-1 मिनट इनको आप करें गरम ताकि हल्का सा मसाले का फ्लेवर चला जाए, और बस इसको आप ढक के रख दें और ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे और बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो बस मैंने इसको कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए और ये अच्छे से यहाँ पे बॉयल हो गए। और फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिम पे कर दी थी, हाई फ्लेम नहीं रखी है। और इन 2 मिनट में जो हल्का सा ऑयल था वो भी सतह पर आना शुरू हो गया है, उससे पता लग जाता है कि हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। तो सब्जी हो गई है तैयार और ये रहा हमारा आज का डिलीशियस लंच, क्रीमी कोफ्ता करी विद वाइट राइस और थोड़ी सी मैंने चपाती बना ली थी और साथ में है हरी मिर्ची। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये साहब की प्लेट है। यस, उनको ही हरी मिर्ची बहुत पसंद है।
वेल, अब फिर से आ जाते हैं क्रिसमस डेकोरेशन की तरफ। तो ये एक्चुअली कल की क्लिप है, लाइक प्रीवियस डे की, और हम लोग यहाँ पे जो बार स्टूल हैं ये असेंबल कर रहे थे। तो ये हमने आर्गोस से लिए हैं और दो का सेट आता है ये, आई थिंक अराउंड 55 पाउंड के ये दो बार स्टूल हैं, और वाइट हैं ये, और जो इनका टॉप है वो वुडन इफेक्ट वाला है। हालांकि मेरे पूरे घर में वुडन इफेक्ट का कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं देख रही हूँ या तो मैं उसको स्प्रे पेंट कर दूंगी जो टॉप है उसका, या फिर कोई कुशनिंग हम इस तरह की ले लें। अमेजोन पे बहुत सारे कुशन कवर्स इस तरह के अवेलेबल हैं, जो सीट कुशन्स होते हैं राउंड वाले, वो आप इनके ऊपर लगा लें। तो आई एम जस्ट थिंकिंग के कौन सा आइडिया बेटर रहेगा, अभी कुछ दिन यूज करके देखते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि फ्रिज जो है वो मैंने दूसरी साइड पे कर दिया था, और कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी कि दीपिका रोशनी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस वाली वॉल पे एक तो बहुत बड़ी सी विंडो है जो अभी भी ओपन है, और उससे बहुत अच्छी रोशनी आती है, और दरवाजा जो है वो आधे से भी कम ही कवर हुआ है, तो रोशनी की दिक्कत नहीं। और विंटर्स में जो है वो वैसे भी रोशनी इतनी आती नहीं है, जब तक सूरज उधर घूम के आता है तब तक वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो ब्लाइंड्स ऑफ ही रहते हैं और हमें जो है वो लाइट्स ऑन ही करनी पड़ती हैं। तो लाइट वाली तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यस, आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, हमारा ब्रेकफास्ट बार यहाँ पे रेडी हो गया है, तो बिल्कुल हमारे किचन से मैची मैची। पहले हम लोग आइलैंड का सोच रहे थे, बट वो जब कंस्ट्रक्शन कराएंगे देन वी विल थिंक। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट बार बना दिया, उसको हल्का सा डेकोरेट कर दिया है, और ये है मेरी क्रिसमस रीथ हैंगर जो होता है वो मैंने यहाँ लगा दिया है, और उसके ऊपर अद्वी का रेनडियर वाला हेयर बैंड जो उसने ही कहा था कि उसको लगाना है। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन किचन में चेंज कर दी है, जो भी मेरे पास क्रिसमस से रिलेटेड छोटी छोटी बिट्स एंड बॉब्स थी वो सब इधर उधर मैंने प्लेस कर दी है, तो पूरे घर में क्रिसमसी इफेक्ट आ गया है। तो चलिए अब आपको पूरा घर दिखा देते हैं कि किस तरह से फाइनली हमने डेकोरेट किया है क्रिसमस के लिए। तो ये है हमारा फायरप्लेस, जो एक्चुअली फायरप्लेस नहीं है, बट हाँ ये जगह वही है, और बस इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉकिंग्स और टंगनी बाकी हैं, वो मैं क्रिसमस वाले दिन या क्रिसमस से पहले दिन लाइक क्रिसमस ईव को ही करूँगी, क्योंकि ईव ही अदरवाइज नहीं छोड़ेगी। और इस तरह से हमारा ये क्रिसमस ट्री है, और लकीली ईवी अभी तक इसको टच नहीं कर रही है, तो देखते हैं। बस मैंने आज वीडियो में कह दिया, तो बस देख ही जाइए, हमेशा यही होता है कि मैं कुछ बोलती हूँ और वो उसी दिन उस काम को करती है। और ये है वो ऑर्नामेंट जो हमने पिछली बार क्रिसमस मार्केट से बनवाया था, इसमें हम सारे हैं, और यहाँ पे हमारे मिस्टर मोमू हेड, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो कि मिस्टर मोमू हेड आ जाते हैं क्रिसमस सीजन में, और बहुत सारी नॉटी नॉटी थिंग्स जो हैं वो घर में करते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने क्रिसमस से रिलेटेड जो कुशन्स लगाए थे उनका व्यू दे रही हूँ, और यहाँ पे है हमारी डाइनिंग टेबल, और यहाँ का डेकोर आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, तो जो ट्रे है उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए थे। सो आई होप आपको ये क्रिसमस डेकोर पसंद आया होगा, आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो आप ट्राई करके देखना, क्या पता आपके घर में भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगें। और लिविंग रूम का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, जैसे ही कलर थीम आप चेंज करते हैं एकदम से बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर ही बिल्कुल नया नया हो गया है। तो येलो की जगह बस रेड टच आया है, और उसी से वो क्रिसमस फीलिंग भी आ रही है, साथ ही बिल्कुल ही डिफरेंट सा लुक आ गया। और डाइनिंग टेबल तो आप पूछे ना, मुझे बहुत पसंद आ रही है। चलिए अब एंट्री करते हैं किचन की तरफ, तो इसका भी 360 व्यू आपको मैं दे देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारी जो किचन है वो लग रही है, और शायद
शायद जो लोग रोशनी के बारे में बोल रहे थे वो सिंक के ऊपर वाली विंडो को भूल गए थे कि वहां से कितनी रोशनी आती है। तो अगर हम बड़ी लाइट्स ऑफ कर दें किचन की तो इस तरह से कुछ लुक आता है। और जो कैबिनेट्स है उसके ऊपर हमने स्ट्रिप लाइट लगाई हुई है तो उससे बहुत ही अच्छा सा एक एम्बियंस इफेक्ट आता है। और इसको आप डिफरेंट कलर में कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरी किचन का थीम ही रेड है और अब क्रिसमस थीम भी रेड ही है तो वो रेड बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज रेसिपी ऑफ लव और उसके नीचे मिस्टर सेंटा और साथ में रेंडियर का एक वुडन ऑर्नमेंट। और इधर ये अगेन आपको दिखा रही हूँ ये सारी डेकोरेशन जो करी है। और ये हमारे ब्रेकफास्ट बार की डेकोरेशन है, ये डाइनिंग टेबल पे हुआ करती थी ट्रे जो मैंने इधर रख दी है। और ये हमारे क्रिसमस के कप आ गए हैं और बड़ी लाइट्स ऑफ करने के बाद 360 व्यू आपको दे रही हूँ लिविंग रूम का। जब भी इस तरह से चेंज करती हूँ ना तो आई फील लाइक कि बस बैठ के देखते ही रहो और बहुत ही प्रिटी लगता है। और फिर जब आप इतनी मेहनत करते हो ना तो उसके बाद तो कुछ अलग ही लुक आता है। सो आई एम जस्ट लविंग इट। तो अगेन आपको फिर से दिखा रही हूँ और उसके बाद फिर बाहर की तरफ चलेंगे और आपको बाहर की डेकोरेशन दिखाऊंगी। और सबके सो जाने के बाद मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, ताकि नीट एंड क्लीन आपको सारी चीज़ें दिखें। अदरवाइज बच्चों के साथ तो कहीं ब्लॉक्स पड़े हैं, कहीं टॉयज पड़े हैं, सो मैनी थिंग्स। और बस अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे मेरे पास एक ये ब्रिज कैंडल थी जो हमने ऊपर वाली इस विंडो में लगा दी। ये स्टेयर्स के पास से जाती है विंडो और उसके ऊपर एक छोटा सा ये क्रिसमस ट्री है जो बैटरी ऑपरेटेड है, वो हमने लगा दिया है। और यहाँ पे है हमारी रीथ, बाहर से कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। और ये बेल वाला जो होल्डर है ये बहुत ही प्रिटी लगता है और जब ये बेल बजती है ना तो और भी प्यारी लगती है। और वो सामने देखिए हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने बाहर प्रोजेक्टर लगाया हुआ है और इस तरह से वॉल पे पूरा वो मैरी क्रिसमस का इफेक्ट आता है, तो बहुत ही प्रिटी है। रही बात लाइट्स वगैरह की, तो जो ये लाइट्स हैं हमने दिवाली पे ही लगाई थी, इनको हमने उतारा नहीं था, तो यही था कि क्रिसमस पे भी ये काम आएंगी, तो अब इनको हमने फिर से ऑन कर दिया है। और ये वाला काम हमारा जो है वो क्रिसमस के टाइम पे बच गया क्योंकि लाइट्स जो है वो पहले से ही लगी हुई थी। और ये वो दिन था तब बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी और फिर जब हम सुबह उठे हैं तो बाहर जो है बिल्कुल वाइट वाइट था चारों तरफ। पूरी रात जो है वो स्नो पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा स्नो हो गई थी और अभी तक भी स्नो जो है वो चल ही रही है। बाकी ये जो लाइट्स हैं ये आउटडोर लाइट्स हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये भी मेरे पास सवाल आया था। तो बस कैसी लगी क्रिसमस डेकोरेशन बताना ज़रूर, रेसिपी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना, ट्राई करो तो फीडबैक ज़रूर देना। और इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट जरूर करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।